मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और खुदा की आशीष में होंगे। खुदा आपको बहुतायत की आशीष दे और अपनी सुरक्षा में हमेशा बनाए रखे। आज के दिन हम अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, तो इस स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का बार बार रविवार है और आज के दिन हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देना, जिसको केवल अनुशासन तथा आत्मत्याग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी बेछिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमेन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति,
हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमुच्च हैं। आमेन। आइए हम दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर, आप सबके पिता और सृष्टिकर्ता हैं, आपने स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है कि हम अपने महान राज के निर्माण में हाथ बटाएं। प्रभु हमें सच्ची महानता के राह पर चलना सिखाए, ताकि आपके पुत्र के कदमों पर चलते हुए हम सेवा कराने की नहीं बल्कि सेवा करने की कोशिश करें और सबकी भलाई के लिए मिलजुल कर काम करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 33 12 से लेके 19 आयत तक। आप कृपया उत्तर दें, यहोवा हमारा सहायक और हमारी ढाल है। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्य को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी पर सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। आज का पुराने नियम का पाठ लिया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 20वें पद से 25वें पद तक। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 20 से 25। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चेतौनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे, और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालने की आज्ञा दी इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसे कि आज के दिन है,
और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है लू का रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 24 से लेके 27 आयत तक। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसा ना होना। वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे कमिश्री, हमारे पुरोहित, विशेषकर रेवरेंड तिमोथी शॉ, रेवरेंड डेनिस लाल, रेवरेंड जय कुमार, और हमारे ले लीडर आशीष, और आपके कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब एक साथ कहें, हे स्वर्गीय पिता, हमारे अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं।
आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर के कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए मैं सचमुच दुखी हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए।
आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए जबकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक आज़ाद देश में हम रहने पाते हैं, यह आपकी योजना है और यह आपका प्रभु जी इच्छा है कि हम प्रभु जी एक आज़ाद देश में रहते हैं। होने दे पिता इस आज़ादी को प्रभु जी, इसकी कीमत को हम जानने पाएँ और जो हमें ये स्वतंत्रता मिली है प्रभु जी, उसका हम आपकी महिमा और आपके सेवा के कार्यों में उसको प्रभु जी इस्तेमाल करने पाएँ। आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, हम सबके साथ हो प्रभु जी, अपना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमें प्रकाशित करें प्रभु जी, ताकि हम आपके प्रकाश में अपने जीवनों को जांचने वाले हो सके। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज 15 अगस्त इतवार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मैं और आप मनाते हैं। हमारे देश को 75 साल हो गए हैं स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए। 1947 में हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया था और बड़ी एक और अच्छी बात यह है कि आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो इतवार का दिन है, संडे है। 7 साल बाद ये चीज़ आती है तो बड़ी अच्छी, एक दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि स्वतंत्रता दिवस भी है और इतवार भी है। और इसी से मिलता जुलता जो हमारा आज का आराधना का प्रस्तावित विषय है वो है राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देना, जिसको केवल अनुशासन तथा आत्मत्याग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि हम पौलुस का खत देखते हैं, गलातियों के नाम उसका 5वां अध्याय जो आज हमने पढ़ा है, उसमें पौलुस बड़ी अच्छी बात कहता है। पहली आयत में कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बड़ी अच्छी बात कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इट इज़ फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। मसीही स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी अच्छी परिभाषा जो है वो पास्टर जॉन पाइपर के द्वारा हमें मिलती है, वो है कि जो स्वतंत्रता है वो एक मौका होता है, एक काबिलियत होती है इंसान की, एक इच्छा होती है और एक अनंत आनंद को प्राप्त करने की जो उसकी इच्छा होती है वो होती है। मतलब मौका, काबिलियत, इच्छा या आनंद का आनंद, अपॉर्चुनिटी, एबिलिटी, डिजायर एंड लास्टिंग जॉय, और ऐसा कार्य कि जो आपको आने वाले 10,000 सालों में अनंत आनंद दे, उसको मैं और आप मसीह स्वतंत्रता कह सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि जो मेरा मन करे वो मैं करता रहूं। स्वतंत्रता जो असली स्वतंत्रता होती है वो यही होता है कि मेरे पास वो मौका हो, मेरे पास वो इच्छा हो जो मुझे आने वाले 10,000 सालों में मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ियों को वो अनंत आनंद दे। मैं और आप जब इन दुनियावी लोगों के बीच में रहते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम देखते हैं कि कई लोग जो है स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल करते हैं स्वतंत्रता का, और वो विनाश की ओर जाते हैं। कई बार मैं और आप दुनियावी लोगों को देखते हैं जो कि लालच में होते हैं और उनमें बुरी इच्छाएं होती हैं, घमंड होता है, और घमंड भी कैसा होता है, ताकत का घमंड होता है, पैसे का घमंड होता है, प्रेस्टीज होती है, दुनियावी बातों का घमंड होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पैसे के पीछे भागना होता है। और होता क्या है उससे कि हम सोचते हैं ये तो बड़ा अच्छा तरीका है जीने का, इनको तो बड़ा मजा आता होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो मार्ग होता है ये विनाश की ओर हमको ले जाता है। मसीही जो स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो उसका मतलब यह होता है कि उसका मतलब यह है कि हम पाप से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, पाप करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, मसीही जो स्वतंत्रता होती है वही होती है, हमें पाप से स्वतंत्रता मिलती है, पाप करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। मार्टिन लूथर ने बड़ी अच्छी बात कही कि फ्रीडम इज नॉट द राइट टू डू व्हाट यू वांट। मतलब आजादी ये नहीं है कि आपको हक मिली है कि आप जो कुछ करना है आप करें, बट रादर द पावर टू डू व्हाट वी ऑट। इसका मतलब यह है कि वो आपको सामर्थ है, स्वतंत्रता मेरे और आपके लिए ये नहीं है कि हमारा जो मन करे हम करें, बल्कि हमारे लिए वो सामर्थ है कि जो हमें करना चाहिए वो हम करें, जो सही चीज है वो करें। जो सही में आजाद व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, वो ये है कि वो अपने अंदर इच्छा रखता है, काबिलियत रखता है कि वो आगे भविष्य में देख पाता है, और वो जो उसके सामने ऑप्शंस होते हैं, ऑल्टरनेट्स होते हैं, उनको जज कर पाता है, उनके बारे में सोच पाता है, और वो उनको सोचने के बाद उस मार्ग को चुनता है या उन ऑप्शंस को चुनता है जो उसको आने वाले सालों में अनंत जीवन दे और उसको वो अनंत आनंद दे। मेरे और आपके मसीह जीवन में जो सच्ची स्वतंत्रता है वो ये है कि जो भी मैं करूं वो ऐसे ही नहीं कर दूं। एक वाइल्ड एक्ट नहीं होना चाहिए कि कुछ भी दिमाग में आया और कर दिया। उसका मतलब ये होता है कि जो करूं वो परमेश्वर की ओर से अप्रूव हो, वो परमेश्वर को भावता हो,
ताकि आने वाले समय में मुझे उससे खुशी मिले और अनंत की खुशी मिले। और जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके पास वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के रूप में होता है ताकि वो सही मार्ग का चुनाव करते हैं और फिर परमेश्वर को भी खुश रखते हैं और अपने जीवन में भी खुश रहते हैं। लेकिन मैं और आप जब स्वतंत्र है तो हम क्या करें। गलातियों 5 उसका जो 13वीं आयत वो कहती है कि पौलुस कहते हैं भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है दो बार पौलुस ने 5वें अध्याय में कहा है। तो पहली आयत में कहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। दूसरी बार वो 13वीं आयत में कहता है कि उसके पहले पार्ट में कहता है कि हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। मैं और आप अगर स्वतंत्रता को देखते हैं, बड़ा अच्छा शब्द लगता है फ्रीडम, स्वतंत्रता बड़ा अच्छा शब्द लगता है, लेकिन एक बड़ा गंभीर विषय भी है, गंभीर धारणा भी है अगर इसको गलत तरीके से ले लिया जाए। जब मुझे और आपको आजादी मिलती है तो हमारे सामने बहुत सारे चुनाव करने का हमारे पास मौका होता है, ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास, लेकिन हमें आत्म अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये आत्म अनुशासन नहीं होता आजादी में तो जो हमारा मार्ग है वो गड़बड़ी की ओर अव्यवस्थित हो जाता है और फिर हम गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। हम मसीह किस तरह से फ्री, हम कैसे अपने आप को स्वतंत्र बोल सकते हैं। हाँ, मैं और आप अपराध बोध से मुक्त हो गए हैं, मैं और आप दंड हमारे ऊपर नहीं है, हम पाप के कारण जो शर्म आती है उससे हम मुक्त हो गए हैं, वो पाप की सामर्थ्य जो है उससे हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, जो व्यवस्था हमारे ऊपर दोष लगाती है उससे भी मैं और आप स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। मैं और आप परमेश्वर के पास कभी भी आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और हम एक्सेप्ट किए जाते हैं। मेरे और आपकी आजादी ये दुनियावी आजादी नहीं है, बल्कि हमारी एक आत्मिक आजादी है जो मेरे और आपके लिए एक नया और अनंत का रिश्ता परमेश्वर के साथ खोलती है। इसका मतलब है मेरे और आपके लिए स्वतंत्रता, ये मतलब है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, लेकिन मैं और आप कभी भी पाप की उपस्थिति से आजाद नहीं होते, पाप की उपस्थिति से स्वतंत्र नहीं होते। वो तो जब तक नहीं होगा जब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने नहीं देखेंगे न्याय के दिन। ये जो पाप, ये जो शरीर की पुल है, द पुल ऑफ द फ्लैश जिसको हम कहते हैं, शरीर की जो अभिलाषाएं होती हैं वो मुझे पाप की ओर ले जाती हैं। लेकिन मैं और आप उन चीजों से मुक्त हो गए हैं कि हमें ये चढ़ावे चढ़ाने हैं, हमको वो जो पुराने रीति रिवाज थे वो करने हैं, तब जाके हम पाप से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इन सब चीजों से हम मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो पाप है वो मेरे और आपके साथ रहता है, कभी कभी मेरे अंदर भी रहता है। क्या मैं अपने आप को मुक्त कह सकता हूं? आजादी का गलत इस्तेमाल भी होता है। 13वीं आयत के बी पार्ट को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। अवसर शारीरिक, फ्लैश, इंग्लिश में वर्ड आता है फ्लैश। फ्लैश का मतलब यह नहीं मेरा हार्ड मास जो है, ये मेरे अंदर जो हार्ड मास है, हड्डियां हैं और मास है, इसका मतलब है जो मेरा मानवीय स्वभाव जो है, वो जो मेरा मानवीय स्वभाव है जो मुझे आदम से मिला है, जिसके साथ मैं पैदा होता हूं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरे अंदर रहता है जब तक मैं मरता नहीं हूं। जो कि हम प्रभु यीशु मसीह में फिर भी नई सृष्टि बन जाते हैं, और ये लेकिन ये जो मानवीय स्वभाव है जिसको हम फ्लैश कहते हैं इंग्लिश में, ये मुझे और आपको खींचता रहता है, ये मुझे और आपको वापस जो है दुनिया में खींचने की कोशिश करता है, ये हमें उकसाता है, ये हमें जो है एंटाइस करता है, हमारे को आकर्षण के रूप में आता है। और यही जो मानवीय स्वभाव है, यह मुझे बुरे विचारों की तरफ, गुस्से की तरफ, नफरत की तरफ, कड़वाहट की तरफ, हिंसा की तरफ और बेईमानी की तरफ और ना जाने किन किन चीजों की तरफ, जलन की तरफ लेकर के जाता है। यह मेरे अंदर की इच्छा होती है, जो मेरी अंदर की इच्छा होती है वो मुझे पूरा करने से जो मुझे खुशी मिलती है, ताकि उसमें परमेश्वर को भी बलिदान चढ़ा दूं और दूसरों को भी मैं बलिदान चढ़ा दूं, क्योंकि ये मैं अपने बारे में सोचता हूं। ये मानवीय जो स्वभाव है, डिजायर ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषा, ये मेरे और आपसे कभी नहीं खत्म होती है। ये मुझे अंदर से बोलती है कि जाओ आगे जाओ, ये तुम इस लायक हो। जब हम गलत काम करते हैं, ये ही मुझे अब अंदर से पुश करता है। ये एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जैसे जब छोटा बच्चा रोता है, जो जोर जोर से रोता है माँ उसको दूध पिलाती है, वैसे ही मेरा शरीर जो है वो अंदर से रोने लग जाता है, और जब मैं उसकी सुनने लगता हूं, मैं उसको पैम्पर करने लग जाता हूं, मैं उसको लाड़ प्यार करने लग जाता हूं, और वहीं पे जो मेरी आजादी है वो गलत हो जाती है। और सबसे
जो एक ट्रिकी पार्ट जिसको कहते हैं वो ये है कि वो ये जो मानवीय स्वभाव है ये मुझे कहीं भी और कभी भी अटैक कर सकता है। हो सकता है कि मैं और आप कभी कभी बहुत अच्छा सरमन सुन रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर बुरे विचार चल रहे हों। हो सकता है कि मैं किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं और अगली सांस में अगले पल में ही मैं अपने बच्चों को भला बुरा कह रहा हूं। हो सकता है कि जो हाथ मैंने किसी के प्रति प्रेम के लिए बढ़ाया हो वही हाथ अगले पल में किसी को मारने लग जाए। इसलिए मुझे और आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कभी इस चीज को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव मुझे कभी भी और कहीं भी गिरा सकता है। इस चीज का मुझे और आपको ध्यान रखना है। जो बाइबल में आजादी है वो ये है कि हम पाप ना करें। पाप करने की मुझे आजादी नहीं मिल गई है, पाप से मुझे आजादी मिली है। इट इज अ पावर टू ओवरकम, टू गेट अप एंड फाइट द बैटल अगेन। मतलब ये मुझे आजादी मिली है, मुझे सामर्थ्य मिली है कि मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूं, रोज लड़ूं और हर पल लड़ूं। 14वीं आयत में बड़ी अच्छी बात पौलुस कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस बात से पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम मतलब होता है, बाइबल का मतलब यह है, प्रेम का मतलब कि हम दूसरों की सेवा करें, एक सेवक बनकर के, गुलाम बनकर के लिए सेवा करें, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को हम यहां करें। यदि मैं और आप अपने भाई बहनों की जो चारों तरफ रहते हैं हमारे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, और उनकी सेवा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मुझे और आपको मास्टर नहीं बनना है, स्वामी नहीं बनना है कि कई सेवक मेरे नीचे रहे और मैं उनका स्वामी बनूं, बल्कि मुझे सेवक बनना है ताकि मैं कई लोगों की सेवा कर सकूं। जो यहूदी लोग थे वो ये सोचते थे कि लोगों को सुधारने का तरीका क्या है, कि रूल रेगुलेशन बनाओ, नियम और कानून बनाओ। बट जो हमारी मसीहत है वो अंदर से लोगों को बदलने की कोशिश करती है। जब प्रभु यीशु मसीह आया उसने सब कुछ बदला, जब वो अंदर आता है तो सब कुछ बदल जाता है। द लव ऑफ गॉड इज पोर्ड इन टू आर हार्ट, वो हमारे, मेरे और आपके अंदर को आ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए। वो ये सोचते थे यहूदी कि एक सिस्टम बनाएंगे जिससे लोग बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ था क्रूस में चढ़ाने से पहले, बड़ी अच्छी बात कही यूहन्ना 13:35 में, उसने क्या कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो और उस प्रेम के द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। बट मैं और आप मनुष्य होकर के क्या बोलते हैं कि कैसे लोग हमको जानेंगे कि हम उसके चेले हैं, कि हम बड़े सही चर्च में जाएं, हम बिल्कुल सही दुआएं बोले, हम बिल्कुल सही जो है स्कूलों में जाएं, हम अपने बालों को सही कटवाएं और हम अपने कपड़े सही पहने और तरह तरह की बातें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही तरीका बताया, वो ये था कि अगर मेरे चेलों की पहचान होगी वो ये होगी कि वो एक दूसरे से कैसा प्रेम करते हैं। क्योंकि जो वचन है, जो उसका सुसमाचार है, वो लोगों के दिलों को बदलता है, और जब लोगों के दिल बदल जाते हैं तो रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाते हैं, रिश्ते अपने आप बदल जाते हैं। ये जो एक दूसरे के लिए जो पद है बाइबल में, बड़े सारे पद हैं नए नियम में, खासकर मुझे और आपको मिलेंगे। अगर आप देखेंगे गलातियों 6:2 में लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ, रोमियो 14:19 में लिखा है कि एक दूसरे को बनाओ, रोमियो 15:14 में लिखा है कि एक दूसरे को चिताओ, कुलूसियो 3:13 में लिखा है कि एक दूसरे को माफ करो, पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 में लिखा है एक दूसरे को शांति दो, याकूब 5:16 में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, उसी याकूब 5:16 में लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, कुलूसियों 3:16 में लिखा है कि एक दूसरे को पढ़ाओ, एक दूसरे को चिताओ, रोमियो 15:7 में लिखा है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे को अपनाओ, और पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है एक दूसरे को उत्साहित करो, इफिसियों 4:32 में लिखा है एक दूसरे पर कृपालु बनो, गलातियों 5:13 में लिखा है एक दूसरे की सेवा करो। और बाइबल तमाम, खासकर नए नियम, एक दूसरे के जो ये पद हैं भरे हुए हैं। और ये एक दूसरे के पद है, ये इसी चीज का विस्तार है जो यूहन्ना 13:35 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, इन्हीं चीजों का विस्तार है जो पौलुस ने अपने खतों में लिखा है। तो एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, 5:15 में पौलुस कहता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहोगे, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। एक वार्निंग है ये, एक चेतावनी पौलुस मुझको और आपको देता है, क्योंकि आजादी है वो मुझको और आपको दो दिशाओं में ले जाती है। एक दिशा वो होती है कि जब हम आजादी को एक बहाना बना करके पाप करने लगते हैं, और दूसरा रास्ता होता है कि आजादी जो होती है जिसके लिए मैं दूसरों की सेवा करूं, जिसके लिए मैं और आप मसीह होकर के इस पृथ्वी पर बुलाए गए। यदि मैं अपने बारे में ही सोचने लग जाता हूं तो मैं अपने सारे रिश्ते और अपनी कलीसिया सबको बर्बाद करने लग जाता हूं। दो समीकरण बनते हैं,
दो समीकरण बनते हैं, यदि प्रेम आजादी के साथ होता है तो उससे सेवा निकल के आती है, लेकिन इसी आजादी के साथ इसी आजादी में अगर प्रेम नहीं होता तो वो पाप की ओर लेकर के जाता है। अगर प्रेम, आप जानते हैं दुनिया में प्रॉब्लम क्यों है, लोग क्यों मर्डर कर देते हैं, लोग अपने बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपने पेरेंट्स से नफरत करते हैं और चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, डाके डालते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, इसलिए क्योंकि प्रेम नहीं है। कड़वाहट क्यों होती है, गुस्सा क्यों आता है, धमकियां इधर उधर क्यों दी जाती हैं, ये शारीरिक और मानसिक जो उत्पीड़न होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है। लोग एक दूसरे को रास चलते धक्का दे देते हैं, गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग आज एक दूसरे का खून कर देते हैं, उसकी वजह सिर्फ यह है क्योंकि लोगों में आपस में प्रेम नहीं है। और इसी प्रेम के लिए पौलुस यहां पर कह रहा है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक बात से पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जहां परमेश्वर का प्रेम है वहां पर पाप आ ही नहीं सकता। हम लोग कई बार नरभक्षी बन जाते हैं, मसीह नरभक्षी बन जाते हैं, हम लोग कभी ढंग से बहस करते ही नहीं, लड़ते ही नहीं, छोटी छोटी बातें मतभेद और वाद विवाद जब आ जाते हैं वो एक बहुत मेजर चीज बन जाती है और हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। हमारी लड़ाइयां आपस में ऐसी हो जाती है, हम लोग कई बार फोन में लड़ने लग जाते हैं, हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेजेस लिखने लग जाते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ना जाने एक दूसरे को कहां तक ले जाते हैं, भूल जाते हैं कि मसीह की वजह, यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है। हमारी आपस की जो बिटर कड़वाहट आर्गुमेंट्स होते हैं वो क्या बनते हैं, उसमें क्या प्रचार होता है, हम अपने आप को ज्यादा जरूरी बता देते हैं प्रभु यीशु मसीह से बढ़ करके बता देते हैं। वो मसीह शांति खत्म हो जाती है, वो मसीह के काम खत्म होते हैं, चर्च जो है वो अपने आप में सेल्फिश बन जाता है। जो नए विश्वासी हमारे विश्वास में आना मांगते हैं, हमारे ऐसे व्यवहारों को देख करके, हमारे ऐसे मैसेजेस को पढ़ के वो मसीहत से दूर चले जाते हैं। इन सब बातों के कारण प्रभु का निरादर होता है, पवित्र आत्मा खेदित होता है। जो मसीही कमजोर होते हैं विश्वास में वो और कमजोर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो गलत होती है वो ये होती है कि जो कलीसिया की गवाही है जो दुनिया में जारी होती है उसको सबसे ज्यादा चोट और ठेस पहुंचती है। और जो लोग बाहर बैठ के, बाहर दुनिया में बैठ के तमाशा देखना मांगते हो, कहते हैं देखो इस कलीसिया में सारे जो हैं पाखंडी आते हैं क्योंकि आपस में एक दूसरे से प्रेम ही नहीं रखते हैं। और जो लोग वचन के मसीहत के दुश्मन हैं वो खुशियां मनाते हैं। मैं और आप जब ऐसा व्यवहार करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो उससे क्या संदेश जाता आप जानते हैं, दुनिया में हम लोगों को बताते तो है, हम क्या बताते हैं जानते हैं आप, गॉड लव्स यू बट वी हेट ईच अदर। अरे परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है बट हम मसीह एक दूसरे से नफरत करते हैं। और आप जानते हैं अंत में क्या होता है, परमेश्वर की जो कलीसिया है उसका नाश होता है इन छोटी छोटी बातों से। इसलिए सुलेमान ने बड़ी अच्छी बात कही कि छोटी छोटी लोमड़िया जो होती है वो दाग की जो बारी होती है उसको तबाह कर देती है। नफरत, ईर्ष्या, डाह, जलन, बड़े बड़े शब्दों का चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश में प्रयोग करना, अपने रास्ते पे चलना, अपनी मर्जी चलाना, इन सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ मसीही की कलीसिया का नुकसान होता है। कोई जीत की बात मैं और आप नहीं कर सकते। हम कहां से जयवंत से बढ़कर हैं, हम कहां से स्वतंत्र हैं यदि मैं और आप इन्हीं चीजों में अपने जीवनों को फंसा के रखे हुए हैं। इससे इसीलिए तो पौलुस कह रहा है कि हम एक दूसरे को फाड़ते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यही तो हो रहा था, हम एक दूसरे को फाड़ने में लगे थे, हम एक दूसरे को काटने में लगे हुए थे, जानवरों की तरह, इसमें साफ साफ लिखा है जानवरों की तरह मैं और आप व्यवहार करने लग जाते हैं। परमेश्वर स्वतंत्रता दिवस को जब हम मनाते हैं, देश मनाता है, लेकिन हमने अपने आप को देखना है कि ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपने आप को नुकसान, अपनी कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार से मैं और आप दूर रहें। चार बातें जो मैंने और आपने सीखी वो ये है कि जो मसीही स्वतंत्रता है उसका मतलब ये नहीं कि जो मैं करूं, जो मेरी मर्जी है मैं करूं, बल्कि वो सामर्थ है कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूं। और यदि यही स्वतंत्रता, इसमें अगर प्रेम नहीं होता है तो ये अपने आप को और अपनी कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाली बन जाती है। लेकिन मैं और आप अगर प्रेम को लेकर चलते हैं तीसरी बात, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि परमेश्वर का प्रेम और ये जो कड़वाहट होती है ये कभी एक साथ नहीं रह सकती। वापस लौटते हैं, जब अंत करते हैं, वापस लौटते हैं उस बात पर जो मैंने आपसे शुरू करी थी, वो ये थी कि मसीही स्वतंत्रता वो मौका होता है, वो
मौका होता है, वो काबिलियत होती है, वो इच्छा होती है कि वो मैं कर सकूं जो मुझे आज से 10,000 साल बाद मुझे और मेरे आने वाली नस्लों को, पुश्तों को वो खुशी दे सके। मैं और आप, हम में से हर कोई ऐसी स्वतंत्रता को चाहता है, क्योंकि हम लोग उसके लिए पैदा हुए हैं, हम उसके लिए बने हुए हैं, हम उसके लिए बनाए गए हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको एंजॉय करें, स्वतंत्रता को। और ये जो आजादी है ना, इसको इसको हम दुनियावी चीजों से कभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, कोई भी चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, उसकी जगह नहीं रख सकते जो परमेश्वर ने स्वतंत्रता मुझको और आपकी दी है। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, स्वतंत्रता के लिए ही मसीह ने मुझको और आपको स्वतंत्र किया है। इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के बच्चों की तरह इस पृथ्वी पर जिए, और जब तक मेरा और आपका जीवन है, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को माफ करें और कलीसिया को उठा के चलें, क्योंकि ये कलीसिया जो है ये परमेश्वर का बदन है जिसके मैं और आप हिस्से हैं। अपने अंदर से वो कड़वाहट, वो जलन, वो वैर भाव, वो ईर्ष्या, वो बुरी बातें, वो बड़े बड़े शब्द मुझे और आपको निकालना जरूर, अपने आप को खाली करें और परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को भरें। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। होने दे पिता परमेश्वर, अपने जीवनों में स्वतंत्रता का कभी गलत फायदा ना उठाएं, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे की बातों को सहने वाले हो सकें, और इस कलीसिया को प्रभु जी, आपकी कलीसिया को उठाने वाले हो सके प्रभु जी। हम सबके साथ हो, हम सबको अपनी पवित्र आत्मा दे, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस प्लातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्रशास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवनदाता है, वे पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है, वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमेन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए और प्रभु से प्रेम रखिए और इसकी सेवा में लगे रहिए, मसीह के नाम में, आमीन।
सदा वही है।